हाय फ्रेंड्स, मैं वरुण गिरी और आपके अपने चैनल टेक्निकल कंसेप्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है एक्सप्लोजन ड्यू टू फ्यूल रिच एनवायरनमेंट इन बॉयलर फर्नेस। तो आज का हमारा टॉपिक है बॉयलर सेफ्टी के रिलेटेड है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि फ्यूल एक्सप्लोजन कैसे होता है बॉयलर के अंदर। बॉयलर के अंदर दो तरह का एक्सप्लोजन होता है। फर्स्ट एक्सप्लोजन होता है हाई प्रेशर स्टीम की वजह से। अगर हमारा बॉयलर का स्टीम का प्रेशर डिजाइंड प्रेशर से ज़्यादा है तो हमारा बॉयलर का स्टीम प्रेशर का एक्सप्लोजन होता है और जो बहुत डेंजर होता है। और दूसरा एक्सप्लोजन होता है वो एक्सप्लोजन ड्यू टू फ्यूल रिच एनवायरनमेंट बॉयलर फर्नेस। मीन्स हमारे बॉयलर फर्नेस के अंदर अगर एक्सेस क्वांटिटी में फ्यूल का सप्लाई हो जाता है जिससे क्या होता है कि बॉयलर एक्सप्लोड हो जाता है। तो कैसे होता है, उसको कैसे प्रिवेंट किया जाए या क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस लिया जाए, इसके लिए ये सारी बातें डिटेल में इस वीडियो में हम जानेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जो फ्यूल एक्सप्लोजन होता है ये जनरली ऑयल फायर्ड बॉयलर्स में होता है। ये कोल फायर्ड बॉयलर्स में या फिर दूसरे बॉयलर्स में नहीं होता, ये जनरली ऑयल फायर बॉयलर्स में ही होता है। तो इसका मेन कारण होता है फ्यूल रिच इन्वायरमेंट जनरेट होने से फर्नेस के अंदर। मीन्स एयर फ्यूल रिच मिक्सचर अगर हम फर्नेस के अंदर सप्लाई करेंगे तो उसके वजह से ये एक्सप्लोजन होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि स्टोइकोमेट्रिक रेशियो क्या होता है। स्टोइकोमेट्रिक रेशियो क्या होता है कि जितना राइट प्रोपोर्शन में, जितना फर्नेस के अंदर कंप्लीट कंबसन के लिए एयर और फ्यूल का मिक्सचर जो होता है उसको हम स्टोइकोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं। ओके, मीन्स फॉर कंप्लीट कंबसन ऑफ फ्यूल द रेशियो ऑफ एयर एंड फ्यूल मिक्सचर इज कॉल्ड एज स्टोइकोमेट्रिक रेशियो। तो अगर हमारा स्टोइकोमेट्रिक रेशियो के अनुसार अगर हमारा एयर और फ्यूल का मिक्सचर रहेगा तो हमारा जो फ्यूल हम सप्लाई करने थे कंबसन के लिए फर्नेस के अंदर, उसका कंप्लीट कंबसन हो जाएगा और हमारा बॉयलर में फ्यूल एक्सप्लोजन नहीं होगा। लेकिन वहीं अगर हमारा स्टोइकोमेट्रिक रेशियो के अनुसार अगर एयर और फ्यूल का मिक्सचर सप्लाई नहीं होता है, जैसे कि हमारा फ्यूल ज़्यादा सप्लाई हो रहा है और एयर कम सप्लाई हो रहा है, तो जिससे क्या होगा कि हमारा फर्नेस के अंदर फ्यूल का कंप्लीट कम्बसन नहीं होगा और हमारा जो फ्यूल है वो अनबर्न कंडीशन में फर्नेस के अंदर एक्युमुलेट होते जाएगा। ओके, तो इससे क्या होगा कि एक सर्टेन टाइम के बाद उसके अंदर बहुत अनबर्न फ्यूल का कंसेंट्रेशन बहुत बढ़ जाएगा और सडनली क्या होता है कि उससे एक्सप्लोजन होता है फर्नेस के अंदर और एक बहुत डेंजर होता है। तो ये जनरली ऑयल फायर्ड बॉयलर्स के अंदर ही होता है। ओके, देन तो इसका एक्सप्लोजन कैसे होता है ये मैं बता रहा हूँ। इसका एक्सप्लोजन होने का कारण होता है कि जो हमारे अनबर्न फ्यूल एक्युमुलेट होते हैं फर्नेस के अंदर उसका रैपिडली कम्बसन होता है और रैपिड कम्बसन से क्या होता है कि एक्सप्लोजन होता है होते। तो अब इसको प्रिवेंट कैसे किया जाए, इसका प्रिवेंट करने का क्या तरीका है। तो इसका प्रिवेंट करने का तरीका ये है कि जब भी हम बॉयलर को शट डाउन करें तो शट डाउन करने से पहले क्या करें, पहले हम फ्लेम को बंद कर दें और कुछ देर के लिए हम सिर्फ एयर को सप्लाई करें। तो इससे क्या हुआ कि जो हमारा अनबर्न फ्यूल है या इनकम्प्लीट फ्यूल है कम्बसन फर्नेस के अंदर, वो चिमनी के थ्रू बाहर निकल जाएगा। सेम है, जब हम बॉयलर को स्टार्ट करते हैं तो डायरेक्ट हमें फ्लेम स्टार्ट नहीं करना है, हमें कुछ देर के लिए सिर्फ ब्लोअर को स्टार्ट करना है, जिससे क्या होगा कि हमारा जो अनबर्न फ्यूल है जो एक्युमुलेट है फर्नेस के अंदर वो चिमनी के थ्रू बाहर निकल जाएगा और हमारा एक्सप्लोजन से बॉयलर बच जाएगा। तो ये रहा आज का पूरा वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। So thanks for watching. Bye bye.